आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की निरस्त ट्रेनें हुई बहाल। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, अब कहीं पर नहीं है विरोध की सूचना, सभी ट्रेनों का सामान्य रूप से हो रहा है संचालन। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, बाढ़ को देखते हुए सभी बंधों को करवाया गया है मरम्मत। बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए 270 नाव की गई है व्यवस्था। राहत सामग्री के लिए कर दिया गया है टेंडर। अब हर मंगलवार को नगर निगम में समाधान दिवस का किया जाएगा आयोजन। नगर निगम से जुड़ी नागरिकों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। बाढ़ की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने मंडल के सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बाढ़ के मद्देनजर सभी बंधों को ठीक करवाने और राहत सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सहित बाढ़ प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 64। CMO ने कोविड नियंत्रण से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। SP ट्रैफिक और RTO द्वारा नर्सिंग की छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत किया गया जागरूक। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए दिलाई गई शपथ। गौवध में वांछित 25-25 हजार के इनामी दो अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बाई लेन को लेकर कई नागरिकों में जागरूकता की है कमी। बाई लेन को नहीं खाली रखने से होता है रोड जाम। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, बाई लेन को हमेशा रखे खाली, नहीं तो MB एक्ट की धारा में 10,000 रुपए का किया जाएगा चालान। महानगर में अब ई रिक्शा चलाने के लिए नगर निगम से लेना होगा NOC। नगर आयुक्त ने कहा, जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक करके योजना को करवाया जाएगा पास। NOC लेने के लिए जमा करना होगा शुल्क। और पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर खराब टिकट मशीनों की जगह पर लगाया जाएगा नई टिकट मशीन। नई मशीनों को लगाने के लिए दिया गया है ऑर्डर। CPRO ने दी जानकारी।